एंड वेलकम टू 3B Tech। मैं हूं अहमद ज़फ़र। कैसे हैं आप लोग? आज मैं आपके लिए जो गाड़ी लेकर आया हूं, ये मर्सिडीज़ है। 2003 मॉडल है ये मर्सिडीज़ का। ये आप चेक कीजिए, और ये बहुत ही खूबसूरत गाड़ी है मर्सिडीज़ की, और काफ़ी ज़्यादा लेंथी गाड़ी है, बहुत लंबी गाड़ी है ये। अभी मैं आपको इसका कम्प्लीट वॉकराउंड दे देता हूँ इस गाड़ी का। ये देखिए, इसकी हेडलाइट्स चेक कीजिए आप, बहुत ही बड़ी हेडलाइट। ये मेरा हाथ है और बहुत बड़ी है, लंबाई में भी और चौड़ाई में भी। ये हेडलाइट इसकी बहुत ज़्यादा लंबी है। और ये अभी आपको इसके रिम्स दिखा देता हूँ। ये देखिए, अभी मैं आपको गाड़ी का इंटीरियर दिखाऊंगा, और बहुत ही खूबसूरत इंटीरियर लगा मुझे इस गाड़ी का। अभी मैं आपको दिखा देता हूँ सारा ओवरऑल इंटीरियर इसका। पहले आप गाड़ी चेक कर लीजिए और इसकी लेंथ देखिए। अभी मैं आपको इसकी लेंथ भी दिखाता हूँ गाड़ी की। ये बैक साइड से है, ये डैमेज है बैक साइड से बम्पर इसका। ये वैसे 17-18 साल पुरानी गाड़ी है, तो इतना तो हक बनता है। अभी मैं आपको इस गाड़ी की लेंथ दिखाता हूँ। ये देखिए, बहुत ही लंबी गाड़ी है ये। और इसका बेस्ट पार्ट इस गाड़ी का जो है, वो इसका इंटीरियर है। मैं भी आपको इसका इंटीरियर दिखाता हूँ। ये देखिए, ये इसका इंटीरियर है गाड़ी का। एयरबैग, और ये प्रॉपर लेदर है, और बहुत अच्छा स्टिच किया गया है लेदर को भी। और देखा जाए तो कहीं से लेदर ख़राब नहीं है इसका। ये इसमें पूरी कोशिश की गई है। ये वुड का सारा वर्क है इसमें, सारी वुड की लेयर यहाँ पर वुड का इस्तेमाल किया गया है। ये स्क्रीन, जो विंड स्क्रीन है, इसको नीचे ऊपर करने के लिए है। ये सीट्स को कंट्रोल करने के लिए इलेक्ट्रिकली ये सारे बटन है। ये हीटेड सीट्स के लिए, ये इसकी सीट्स की एडजस्टमेंट्स होती हैं सारे, इसके बटन क्रोम, और कहीं से कोई इसकी फिनिशिंग ख़राब नहीं है इस गाड़ी की। यहाँ से देखा जाए तो मैं आपको सबसे पहले ये सीट्स दिखा देता हूँ। लेदर सीट्स हैं, ये देखिए लेदर सीट्स हैं सारी। ये इसके बटन हैं सीट्स के, डायनामिक, और आई डोंट नो ये किस चीज़ के बटन है, मैंने अभी इसके बारे में कोई ज़्यादा पूछा नहीं है उनसे। अभी हम गाड़ी के अंदर बैठ जाते हैं और फिर आपको दिखाता हूँ अंदर से। और ये देखें जी, ये मेरी टांगे बिल्कुल स्ट्रेट हैं, इससे आप अंदाज़ा कर सकते हैं। मेरी हाइट 6 फीट है, और इससे आइडिया लगा सकते हैं कि इस गाड़ी की जो लंबाई है, जो कंफर्ट है, वो कितना है। और ये सारा लेदर का यूज़ किया गया है, सारा, कहीं पर प्लास्टिक नहीं है सिवाय इनके। इसके अलावा ये सारा लेदर है, ये वुड का यूज़ किया गया है सारा, और काफ़ी एक लिमिटेड से बटन्स हैं यहाँ पर ये सारे। इसके अलावा ये सीट्स का, ये सारे इसके बटन्स ऑफ रोड के लिए। ये देखिए, 2003 मॉडल है ये, और ये इसके सारे मल्टीमीडिया के बटन्स हैं। ये देखिए, ये एसी ऑन ऑफ, ये मल्टीमीडिया का था, सॉरी एसी का नहीं है, मैं एसी का समझा। ये इसका एसी के हैं सारे। गाड़ी की कंडीशन बहुत ही साफ़ है, मैं हैरान हूँ, क्योंकि 18 साल पुरानी गाड़ी है और इतनी साफ़ कंडीशन है इस गाड़ी की। और इसके अलावा ये इसका स्टोरेज कंपार्टमेंट है, ये था अंदर, इसके भी वो सेम वूल यूज़ की गई है। और इसके अलावा ये अलग से ओपन होता है, ये रहा, ये भी वूल, और ये इसका बटन और रिमोट मर्सिडीज़ का, और ये आपकी गाड़ियों में मेरा नहीं ख्याल देखने को मिलता है। तो इसके अलावा यहाँ पर भी आई थिंक ये सारा सीट्स की एडजस्टमेंट्स हैं इसकी। और ये इसका स्टेयरिंग, स्टेयरिंग की हालत आप कह सकते हैं काफ़ी ज़्यादा थोड़ी सी है ख़राब, क्योंकि ये सारे इसके ये उतरे निकले हुए धागे वगैरह स्टिचिंग के। ये इसके बटन्स हैं, अब मैं उस साइड पर एक्चुअली जा नहीं सकता क्योंकि वो दीवार है वहाँ पर, तो इसलिए मैं इस सीट पर बैठा हूँ। ये इसके डैशबोर्ड बॉक्स सारा, और पीछे से अभी मैं आपको नहीं दिखा सकता गाड़ी, क्योंकि पीछे काफ़ी सामान पड़ा हुआ है, फिर भी थोड़ी सी दिखा देता हूँ। ये इसके एसी हैं, और ये इसकी एक स्क्रीन लगी हुई है, ये देख सकते हैं आप, ठीक है। और ये छत है इसकी, सनरूफ ये पीछे कर दें,
ये सनरूफ आ गया, और छत पर भी इसका ये कंप्लीटली ये वूल है, लाइक आप लेदर कह लें, आई थिंक लेदर है ये सारा, छत पे भी जो यूज़ किया गया है। ये देखिए ये स्पीकर्स हैं ये वाले, ये इसके बुक रीडिंग के लिए लाइट्स, ये बैक, ठीक है, ये देखिए। और मुझे बेसिकली काफ़ी ज़्यादा प्यारी लगी है गाड़ी, मैंने कहा चले आज मैं इसका एक जल्दी से एक रिव्यू छोटा सा बना लूँ गाड़ी का, कि आपको भी दिखा दूँ। और गाड़ी जो है ये काफ़ी खूबसूरत है, तो बताइएगा कैसी लगी आपकी आज की ये वीडियो। मज़ीद वीडियो में फिर आपसे मुलाकात होती है, अपना ध्यान रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।